हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही बड़ी घाटी के ऊपर। गाड़ी हमारे धीरे धीरे जा रही है। बहुत लंबी चौड़ी घाटी है, क्योंकि अभी आप देखेंगे पूरी घाटी का नज़ारा आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गियर पे ही यहाँ पे गाड़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, क्योंकि और थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में गाड़ी बंद हो जाएगी। हमारी गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं जा पा रही है, किसी तरीके से बस चल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड गियर लगाकर। और ये जो बड़े बड़े डंप यहाँ पे रखे हुए हैं ड्राम, ये जो लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जो लोग स्पीड में होते हैं, उन लोगों को सावधान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। और कई मरतबा तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुए भी हैं, हम लोगों ने देखा है। इससे पहले कई गाड़ियाँ यहाँ पे एक्सीडेंट हुई पड़ी हुई थी। ये देखिए दोस्तों, आने वाली गाड़ियाँ कितनी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ जा रही है, इसलिए वह ड्राम वहाँ पर रखे हैं। और चढ़ने वालों को बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जो नीचे की तरफ गाड़ी जाती है वो अपनी स्पीड में चली जाती है। तो गाइस, हमारा ये जो चैनल है ये नया है, अभी 8-10 दिन हुए हैं, और इस चैनल में काफ़ी वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है, लेकिन अभी फेस का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कि कैमरा थोड़ा सही नहीं है। आप लोगों को शायद के साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अभी कैमरा सही नहीं, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। लेकिन दोस्तों, फेस वाली वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगी, बस एक नए फ़ोन का इंतज़ार है, कुछ ही दिन में फ़ोन लिया जाएगा। वीडियो में बस बने रहिएगा ताकि फ़ोन की अनबॉक्सिंग भी आपको दिखाई जा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक कीजिएगा, और कमेंट में ये बताइएगा कि आपने क्या ऐसी घाटी पे कभी सफ़र किया है। ये घाटी दोनों तरफ खाई है, और बीच से इसे काट कर रास्ता बनाया गया, पहाड़ भी था। मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरीके से पहाड़ था। ये देखिए, एक तरफ पूरा खाई है, जंगल है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से काट कर इसे रास्ता बनाया गया है। तो दोस्तों, घाटी तो शायद कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, लेकिन इस घाटी का नाम जो है वो नाम है जलेबी घाटी, लोग इसे कहते हैं, क्योंकि ये घाटी गोल 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 बिल्कुल जलेबी की तरह घूमी हुई है। मैं आपको पूरा नीचे से दिखा नहीं पाया, हालांकि जब शुरुआत हुई तो आपने गौर किया होगा कि जलेबी की तरह बनी हुई थी। तो गाइस, अब हम लोग प्लेन रास्ते पे पहुंच चुके हैं, अप डाउन ख़त्म हो चुका है। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से, ये देखिए एक पुल है यहाँ पे, और इस तरफ खाई है। आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये किस तरीके से, देखिए घूमी हुई, पूरी घाटी घूमी हुई है और आगे तक घूमी हुई। देखिए, ये तो बीच का नज़ारा देख रहे हैं, फर्स्ट में बहुत ही ज़्यादा घुमा हुआ है। ये देखिए, पीछे से कवर कर रहा हूँ। तो गाइस, आप लोगों को लेके चलते हैं घाटी के और आगे, और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि घाटी को किस तरीके से बनाया गया है। और अभी हम लोग जंगल के बीचों बीच हैं, दोनों तरफ घाटी है, गाड़ियाँ उधर से भी आ रही है, इधर से भी जा रही है, लेकिन अभी शाम का वक्त है, इसलिए गाड़ियाँ बहुत ही कम चल रही हैं यहाँ पर, क्योंकि रात में इधर सफ़र करना सही नहीं होता है, क्योंकि जान माल दोनों का खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसी जगहों पे, क्योंकि पूरा का पूरा जंगल है और घर आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। और बीच बीच में कहीं कहीं पे हैं लोग, लेकिन बहुत ही कम तादाद में लोग हैं, इसलिए रात में ऐसे रास्तों में सफ़र करना अच्छा नहीं होता। इसलिए आप लोग भी ये ख्याल रखेंगे कि रात में किसी भी जंगल वाले रास्ते पे या ऐसी घाटी पे बिल्कुल भी सफ़र ना करें, क्योंकि अपना जान सबको प्यारा होता है, इसलिए अपनी जान की हिफाजत करें। बाकी सफ़र तो सुबह में भी किया जा सकता है, ट्रैवल जिसे कहते हैं,
तो गाइस बहुत सारे लोग उर्दू समझ नहीं पाते, इसलिए अंग्रेज़ी भी वर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं जो उर्दू समझ नहीं पाते, इसलिए गाइस। और गाइस पूरी घाटी तो कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अब 5 बजने को हैं और सूरज ढलने को है, और कुछ ही समय के बाद अंधेरा हो जाएगा, तो घाटी कवर नहीं कर पाऊँगा। और गाइस यही वो पहाड़ है जिसे काट कर रास्ता बनाया गया है, यह काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, इस तरफ देखिए मिट्टी डली हुई है, और राइट साइड में भी देखिएगा कि पहले मैं गाड़ी को पार कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरफ भी देखिए, पूरा देखिए इधर पहाड़ी है, उधर बड़ा पहाड़ है। अब इस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया जा चुका है, इसलिए यहाँ पे आपको पहाड़ घाटी बहुत कम नज़र आ रहा होगा। पहले मैं ओवरटेक कर लूँ, उसके बाद पूरी घाटी कवर करूँगा। छोटी गाड़ियों में ओवरटेक करने में बहुत ही टाइम लगता है, और हालांकि आगे से गाड़ियाँ नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं होता है। इस तरफ भी पहाड़ है, और आगे ये देखिए गाइस, इस तरफ भी छोटे छोटे थे पहाड़, लेकिन वो रास्ता बना दिया जा चुका है। तो गाइस पूरी घाटी तो कवर करना आसान नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और शायद आप लोगों को इरिटेटिंग भी होने लगेगी, इसलिए वीडियो बहुत ही शॉर्ट 8-10 मिनट में पूरी घाटी को कवर करने की कोशिश करूँगा। इस तरफ ये देखिए नीचे पूरा खाई है, इसलिए ये साइडेड जो लगाया गया क्योंकि गाड़ियाँ नीचे की तरफ गिर ना जाए, और उसके बाद से घाटी ख़त्म हो जाती है नीचे खाई, क्योंकि खाई पर गिरने के बाद बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि लोग बच पाएँ। इसलिए गाइस ऐसे रास्तों में रात में तो बिल्कुल भी सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जाने रास्ता कैसा हो ना हो, और अनजान रास्तों में तो बिल्कुल भी रात में नाइट में सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं। ये देखिए गाइस इस तरफ जो मिट्टी का पहाड़ है इसे भी काटकर ये पूरा रास्ता बनाया गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा होगा इसको बनाने में। और इधर छोटा सा तालाब है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पे धान वगैरह भी लगे हुए हैं, और इस तरफ काफ़ी ज़्यादा तादाद में, और ये एक कब्रिस्तान है यहाँ पे एक। आगे देखिए कुछ घर भी हैं छोटे छोटे से। घाटी आधा से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, और बीच में घाटी नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे घर हैं, कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे, छोटा सा बस्ती है। और आगे चलते हैं और आपको पूरा का पूरा सीन और नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए रोड के किनारे किनारे दुकानें भी हैं, और आगे की तरफ देख रहे होंगे पहाड़ है, देखिए 3-4 पहाड़ हैं, एक 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 के बाद एक सटे सटे पहाड़ हैं, शायद कि उधर घर नहीं होगा। और आगे ये देखिए ये छोटे छोटे से घर, ये रास्ता के बाद उधर पूरा पहाड़ ही नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा कि रास्ता आगे जाकर के ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पहाड़ी बहुत दूर में है, और इस रास्ते के चारों तरफ से पहाड़ी गोल दायरे के शक्ल में बनाया हुआ है। तो गाइस ऐसे रास्तों में पुल बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और आगे देखते हैं। ये देखिए गाइस ये पहाड़ी था, और बगल में आपको छोटी सी मंदिर भी दिखाई दे रही होगी। आगे चलता हूँ यहाँ से, यहाँ पर कुछ दुकानें भी मौजूद हैं, और आगे की तरफ पहाड़ी भी है, और मैं इस तरफ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी एक पुल बन रहा है, जो कि अभी यहाँ पे काम ज़ोरों शोर से चल रहा है, कुछ लेबर यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, और ये देखिए मलबा यहाँ पे जमा हुआ है, और आगे देखिए एक बुलडोज़र भी यहाँ पे खड़ी है, और ये देखिए आगे एक पुल यहाँ पे और है। काफ़ी सारे पुल अब तक पार हो चुके हैं इस घाटी के अंदर। हाय गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।